हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट गुलाब जामुन जो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम सामान में ही बनकर तैयार हो जाता है, जिसे हम ब्रेड से बनाएंगे। इसके लिए 6 से 7 ब्रेड ले लें और ब्रेड का साइड वाला कॉर्नर काट कर निकाल देंगे। इसका यूज नहीं करना है इस रेसिपी में। आप चाहें तो ये ब्रेड का जो साइड वाला कॉर्नर है, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारे ब्रेड को काट कर निकाल दें और इसे फेंकना नहीं है, इसका ब्रेड क्रम बना लें। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। उसके लिए ब्रेड को इस तरह से तोड़ कर ले लेंगे। कोई भी बर्तन में आप इस तरह से सारे ब्रेड को तोड़ कर रख लें, बिल्कुल रफली इसी तरह से तोड़ लेना है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच दूध या आधी कप दूध का यूज करेंगे। ज़्यादा दूध नहीं डालना है, नहीं तो ब्रेड ज़्यादा गीला हो जाएगा तो आपको गुलाब जामुन का डो बनाने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए दूध थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक बार में ज़्यादा दूध नहीं डालें। दूध डालकर चम्मच की हेल्प से इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। जब ये थोड़ा फूल जाएगा, उसके बाद इसको अपने हाथ से बिल्कुल अच्छे से मसलते हुए इसका अच्छा सा डो बना लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाएंगे इस तरह से। जितना अच्छा, जितना स्मूथ आपका डो बनेगा गुलाब जामुन, उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। इसलिए इसको इस तरह से अच्छे से 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से गूँथ गूँथ कर इसका स्मूथ सा डो बनाना है। फिर 1 से 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। चाशनी के लिए कोई भी बर्तन ले लें, उसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और 1 कप चीनी। पहले चीनी डाल दी हूँ, उसके बाद 1.5 कप पानी डाल दी। 1.5 कप पानी और 1 कप चीनी से बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठा, अच्छा सा मीठा बनेगा चाशनी हमारा। ना ज़्यादा मीठा होगा ना ही कम, इसमें बहुत ही परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार होता है। उसके बाद इस तरह से चेक करके देख लेंगे, थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें इलायची का पाउडर डाल दें, थोड़े से इलायची, 2 इलायची कूट कर मैं इसमें डाल दी हूँ। उसके बाद चाशनी तैयार है। अब इसको गैस से हटा लेते हैं। उसके बाद एक कढ़ाई रख देंगे। अब इधर हमारा डो देख लेते हैं, ये अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें थोड़ी सी घी के साथ इसको 1 मिनट के लिए और थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे, इसको अच्छे से और गूँथ लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा डो बनकर तैयार है। अब थोड़ी सी घी हाथ में लगाकर, ताकि ये चिपके नहीं, इसलिए घी लगाकर इस तरह से गोल गोल करेंगे और इसमें 1-1 किशमिश डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बनेगा, चाशनी बिल्कुल अंदर तक अच्छे से चली जाती है। इस तरह से सारे गुलाब जामुन को बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे में 1-1, 2-2 किशमिश आप इस तरह से भर लें। बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ है। आप सभी को तल लेते हैं। तलने के लिए यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ। इसको बिल्कुल फुल फ्लेम पर नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको तलना है, ताकि अच्छे से पूरे अच्छे से तले और अंदर तक अच्छे से पक जाए और ज़्यादा कलर, मैंने ज़्यादा डार्क कलर नहीं हो। अगर तेज गैस पे इसको तलेंगे तो कलर डार्क हो जाएगा।
इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको इस तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए इसको तलना है। शुरू के एक दो मिनट इसको बिल्कुल अच्छे से तलिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। हम एक मिनट के बाद थोड़ा सा फ्लेम तेज कर देंगे। उसके बाद इस तरह से फ्लेम थोड़ा तेज कर दें, उसके बाद इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दें, उसके बाद निकाल लेंगे। देखिए गुलाब जामुन अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब इसको बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करना है क्योंकि ये ब्रेड से बने हैं, इसलिए ब्रेड के गुलाब जामुन को ज़्यादा लाल नहीं करते हैं। इसको बस हल्का ही हल्का ब्राउन करते हैं, इससे बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ।